بسم الله एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बोनी एनाटमी ऑफ स्कल इस वीडियो में हम पहले क्रेनियम और पेरफिशियल बोन को डिस्कस करेंगे बोन ऑफ क्रेनियम फ्रंटल बोन द बोन व्हिच मेक्स फोरहेड अपर एज एंड रूफ ऑफ ऑर्बिट फ्रंटल बोन के आसपास डिफरेंट बोन प्रेजेंट होती हैं जिनमें पैराइटल नेजल एथमाइट मेगजलरी और जैगोमेटिक बोन फ्रंटल बोन में डिफरेंट लैंडमार्क होती है जिनमें स्क्मा ये फ्रंटल बोन का फ्लैट पोर्शन होता है जिससे फोरहेड बनता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ये आईब्रो के नीचे एक रिज होता है जो कि ऑर्बिट या आई सॉकेट का अपर पार्ट बनाता है सुप्रा ऑर्बिटल फोराम ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन में एक स्मॉल होल होता है जिससे ब्लड वजल और नर्व पास होती है फ्रंटल साइनसिस ये स्क्वेमा के पीछे एक हालो स्पेस होता है और ये एक्ट करता है एज ए साउंड चैम्बर जो कि वॉइस रेजोनेंस में रोल प्ले करता है टेम्पोरल बोन ये स्कल के दोनों साइड्स पे एक एयरेगुलर बोन होता है जो कि जा बोन से टी एम जे टेम्पोर मेंडिबुलर ज्वाइंट के थ्रू कनेक्ट होता है टेम्पोरल बोन तीन पार्ट स्क्वेमा ट्फेनिक और पेट्रस से मिलकर बनता है बर्थ के दौरान ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन बाद में फ्यूज हो जाते हैं लैंडमार्क स्क्वेमा ये फ्लैट पोर्शन होता है जो कि इंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बनाता है जयगोमेटिक ये चीक के पार्ट को बनाता है पेटरस पार्ट इंटरनली ये फ्लोर ऑफ क्रेनियम बनाता है और इसमें एयर कैनल और इंटरनल एयर के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं मैंडिबुलर फोसा ये स्क्वेमा और पेटरस के दरमियान एक सॉकेट होता है जिसमें मैंडिबल के कॉन्डाइल आकेट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्री मेटस इज ओपनिंग टू द इनर कैनल स्टाइल प्रोसेस ये जाबोन और मिस्टॉइट प्रोसेस के दरमियान एलिफेंट टस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड एक्ट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल एंड लेगामेंट पेराइटल बोन पेराटल में इन्वाल्व द बोन विच आर प्रेजेंट ऑन द साइट ऑफ स्कल ये दोनों मेडल में एक दूसरे के साथ आगे फ्रंटल बोन के साथ पीछे बोन के साथ और साइट पे नीचे स्फिनइट और टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हैं अक्सीपिट पार्ट ऑफ द हेड प्रेजेंट अपोजिट टू द फ्रंट विच मेक बॉटम ऑफ द स्कल अक्सिपिटल बोन फेराइटल और टिम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है स्विनाइट इसके फ्रंट में और C1 एटलस इसके नीचे मौजूद होता है लैंडमार्क फोरमेन मैग्नम ये ऑक्सीपिटल बोन में एक लार्ज होल होता है विच अलाउ पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्सटर्नल प्रोट्रूब्रेंस प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन ऑन द बेक ऑफ ऑक्सीपेट नुकल लाइन ये मिडिल से दो लाइन सुपीरियर और इनफीरियर लेटरली जा रही होती हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यहां से ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल ओरिजिनेट होता है ये स्कल के पर एक प्रोमिनेंट एगुलर और विच से की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर कहा जाता है ये बाकी तमाम क्रेनियल बोन से कनेक्ट हुआ होता है लैंडमार्क ग्रेटर विंग्स फिनाइट बोन से लेटरली एक लार्ज प्रोजेक्शन विच मेक द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कल एन द क्रेनियम फ्लोर लेसर विंग स्मॉल लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ बोन अबाउट द ग्रेटर विंग्स प्रोसेस ये ग्रेटर से टू लॉन्ग डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होती हैं जहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं यहाँ पे बोन खत्म होती है जो कि अपर बनाता है होल्ड द अपर टीथ एंड लेफ्ट और राइट में जैगोमेटिक चीक बोन के साथ कनेक्ट होते हैं हर मेगजिला बोन तीन के बाउंड्रीज बनाता है जिनमें रूफ ऑफ माउथ लेटरल वॉल ऑफ नोज और फ्लोर ऑफ आर्बिट लैंडमार्क इंफ्रा ऑर्बिटल फोराम होल बिलो द्लड वेजल्स एंड नर्व एलर प्रोसेस आर्च ऑफ मेगजिला से हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होती है जिससे इंटीरियर थ्री बाई फोर्थ ऑफ हार्ट प्लेट बनता है बोन कॉमनली नॉन एस चीक बोन ये फेस के अपर और लेटरल पार्ट में पड़े होते हैं इससे चीक के प्रोमिनल वार और फ्लोर ऑफ आर्बिट बनता है नेजल बोन ये डिफरेंट लोको में डिफरेंट साइज और फॉर्म का होता है ये अपर फेस के मैंडिबल में साइड बाय साइड प्लेस होते हैं और इनकी जंक्शन से ब्रिज ऑफ नोज बनता है ये मिड लाइन में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट एंड राइट और मेगजरी बोन को टच करता है मैंडिबल लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस फॉर्म लोअर जा एंड होल्ड द लोअर टीथ इस बोन में कर्व और हॉरिजेंटल बॉडी और साइडों पे टू परपेंडिकुलर रेमस होती हैं और ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन होती है वहीं पर जा एंगल बनता है प्रोसेस पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आर्टिकुलेट विद बोन। कोरोनाइट प्रोसेस रेमस के इंटीरियर पोर्शन पे एक शार्प प्रोजेक्शन होती है जहाँ पे मसल्स अटैच होती हैं। एरिवोलर प्रोसेस आर्च ऑफ बोन कंटेनिंग द लोअर मेंटल में स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ पारी फॉर ब्लड एंड नर्व